वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सो स्वागत है थोड़ा साडे इस यूट्यूब चैनल के उत्ते। असं अज थोड़े लिए जो दस्तार का नवा स्टाइल लेके आए हाँ, अमृतपाल सिंह थानू दस्तार से जाके दिखाएंगे, जिस दस्तार का नाम है वट्टा वाली दस्तार। दोस्तों तुम देखा होना असी इस चैनल के उत्ते होर भी कई तरह के दस्तार के जो स्टाइल हैं असं पहल भी अपलोड कर चुके हैं। सो वट्टा वाली पग के भी असं पहल भी कई स्टाइल पा चुके हैं। सो कई मेरे वीर मैसेज आए थे भी भाजी वट्टा जो दस्तार है उसके वध तो वध जो वट पहनते हैं वो तरीके की दस्तार की तुम एक वीडियो जरूर बना के पाओ। सो मैं कल भी एक वीडियो छोटी जी पाई सी, पहले असी लाइव पाई सी, इंटरनेट की थोड़ी जी प्रॉब्लम करके वो वीडियो की कलैरिटी बहुत ही वधिया नहीं बन पाई, इस करके अज असी तुहानू जो वीडियो पा रहे हैं तुसी इस वीडियो के माध्यम राही ये दस्तार घर बैठे सीख सकते हो। सो शुरू करते हैं जी इस वीडियो बारे जानकारी। जे वीडियो थोड़ा वधिया लगी हो तो वध तो वध शेयर करना जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सो तुसी देख रहे हो अमृतपाल दस्तार नूं सजा रहे हैं। लड़दी जो पहले लड़दी अमृतपाल ने शुरुआत की है वह उपरली साइड नूं पिछे वल करके, तुसी क्लोज तो देख सकते हो उपरली साइड नूं पिछे वल करके की है, तो जो हेठली साइड है उसके चंगी तरह रिंकल बनाने हैं, बना के जो पहला लड़ है उसनों अपनी अख दे अपने फेस तो खब्बी साइड जी आख उस साइड से रखना है। तुसी आम दस्तार देखा होगा कि जो आप वट्टा वाली पग बनते हाँ उस जो दो मूहां पास है जो देख रहे हो जो दूजा अमृतपाल ला रहे हैं एक उपरली साइड है एक हेठली साइड है। तुसी जो वध वट पाने चाहते हो तो हेठली साइड नूं बाहर वल कढ के फिर ज़्यादा वट पाए जा सकते हैं। तुसी देख रहे हो किस तरीके दे नाल ये जो दस्तार है वो सजाई जा रही है। जो दूसरा लड़ है दूसरे लड़ नूं इकट्ठा करते हुए अपने अगे वल वधदे जाना है, हल्का जिहा अंगूठे की मदद नाल पिंच करना है। दो लड़ लगाने तो बाद असी तीसरे लड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। तीजा जो लड़ है वह दूजे लड़ तो थोड़ा जिहा हेठां पर रखना है। तो जो असी दस्तार सजा रहे हैं ये असी अमृतसर शाही स्टाइल वांगू जिदा अमृतसर शाही आप बनते हैं सैमी पटियाला शाही कह दें आपां उस तरीके ही अमृतपाल दस्तार नूं सजा रहा है। तुम देख रहे हो भी जो उपरला साइड है लड़ी उपर वल इकट्ठा करके लड़नों हेठले लड़ नूं फिर दोबारा इकट्ठा करके वध तो वध वट पा के फिर दस्तार सजाउणी है। तो जो इस दस्तार का बेस है वह तो असी लैदो थोड़ा मैनशन कर देंगे क्योंकि अपने जो ये दस्तार का बेस बनाया एक सैड फलावटी रखी है ता जो एक सैड तो वधिया फलावट बाहर आ जाए। तो ये देख रहे हो तीजा लड़ जो लग रहा है लड़ा चंगी तरह खोल के तीजा लड़ लगाया जा रहा है। तुम देखिया भी अमृतपाल ने जो पहले तीन लड़ ला चुका है तो जो चौथा लड़ लगा रहा है चौथा लड़ वो किस जगह तो लगा रहा है तुम देख सकते हो। तो मैं कोशिश करांगा भी तुहानू क्लोज तो भी लैके दिखावां एक बार लड़ नूं।
बिल्कुल क्लोज तो तुम देख सकते हो किस तरीके दे नाल लड़न लगाया जा रहा है। ये जो चौथा लड़ है वो लग चुका है। चौथा लड़ लाने तो बाद अमृतपाल सिलाई का इस्तेमाल कर रहा है। ये ना सिलाई तुसी गौर कर सकते हो भी पुट्ठी मारी जा रही है, आपा हेठा वाला आने अंदर वालों जा रहा है। जड़े वट होंगे ने ना वो वट सिलाई मारन के नाल की होंगे भी थोड़ा अंदर वाल हो जाते हैं तो लड़ना जी पकड़ वधिया बन जाती है। क्यों आप देखते हैं भी आप कई बार वट पाते हैं कई वट खड़े खड़े होंगे ने इस करके आप सिलाई भी मार के बिठा सकते हैं। हूँ जो पंजम बैक साइड के जो लड़ ने उसको देखो तुसी किस तरीके दे नाल साफ किया जाएगा, क्योंकि तो जेडे पहले जो लड़ लग चुके हैं उपर की सिलाई की मदद के नाल तुसी उन्हें साफ कर सकते हो। चंगी तरह सिलाई मार रहा अमृतपाल लड़न के विच तां जो बैक साइड तो भी प्रोपर सफाई आ सके। तुम्हें देखा भी बरीक जहाँ जो वट सी एक थोड़ा जहा बार अमृतपाल ने सिलाई के नाल बड़ा वधिया तरीके नाल उसनूं अंदर किया। सो दोस्तों जे यह वीडियो तुहानूं वधिया लग रही है ते वध तों वध इहनूं शेयर करो तां जो मेरे वीर जो वट्टां लई दस्तार नूं बनना ज़्यादा पसंद करते हैं वो इस वीडियो के माध्यम राही ये दस्तार सीख सकन। जो अगला लड़ अमृतपाल ला रहे हैं तो देख रहे हो जो हेठली साइड है लड़ दी उसको बाहर वाल कढ़ना है। बाहर वाल कट के बिल्कुल क्लोज तो देख सकते हो हेठली साइड है। पहला अमृतपाल ने वट पाए ने बाद चो लड़ कट्ठा करके फिर लगाया उपरों हल्का जहा पिंच करना पिंच करके लड़ लगाना। तो जिहड़े मेरे वीर साडे चैनल ते नवे जुड़े हैं वह कृपा करके चैनल वध तों वध सबसक्राइब करन तां जो दस्तार दीआं होर वीडियो भी वह घर बैठे देख सकन। तो जो कोई होर नवा स्टाइल तुसीं देख सीखना चाहुंदे हो तो साडे कमेंट बॉक्स के विच दस सकदे हो। साडी कोशिश हुंदी है कि दस्तार च वध तों वध सुधार लिआता जाए नवे तों नवे जो स्टाइल हैं वह हर वीर सीख सके ते दस्तार नूं बड़ी सोहनी तरीके दे नाल सजा सके। मैं अमृतपाल नूं बेनती करांगा इक वट्टां वाली जो साइड है वह अपना फेस टर्न करके एक बार सारे वीरां नूं जोर दिखाउण। तो दोस्तों जो स्टाइल है सैमी टच के वट्टां वाली दस्तार तुसी इसनूं गोल दे विच भी बन सकते हो
ਘੜਾ ਸ਼ੇਪ। ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਪਿੰਨਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਉਣ ਜ਼ਰੂਰ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਿਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜੋ ਸਿਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪੱਗ ਦਾ ਸਿਰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪੱਗ ਵਾਂਗੂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦਾ ਲੜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦਾ ਲੜ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਗ ਦੇ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਫੋਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਵੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਪੱਗ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਵੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ।